हाय फ्रेंड, नीतू क्रिएटिव कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल होली प्लेटर। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हम एक खाली बॉटल के आगे का पार्ट लेंगे और उसे पुट्टी से कवर करेंगे। हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और बॉटल के निचले वाले सिरे को कवर करेंगे। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बॉल पुट्टी लेंगे और इसे कवर करके बाल्टी का शेप देंगे। फ्रेंड्स, बॉल पुट्टी का डो तैयार करना बहुत आसान है। आप किसी भी डब्बे में थोड़ी सी बॉल पुट्टी ले लें और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करें। उसके बाद उसे जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंथ के सॉफ्ट डो तैयार कर लें। ये जब पूरी तरह से कवर हो जाए तो इसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दें। बचे हुए बॉल पुट्टी से हम कुछ पत्तियाँ और फ्लावर बनाएंगे। हम थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे, उसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। थोड़ा सा कोई भी पाउडर लेके बॉल पुट्टी को रख लेंगे और कटर की हेल्प से पत्तियों और फ्लावर का शेप कट करेंगे। इसके बाद हमें कटोरी में 4 चम्मच बॉल पुट्टी, 3 चम्मच फेविकॉल और 3 चम्मच पानी मिक्स करेंगे और इससे एक गाढ़ा घोल तैयार करें। अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ी सी बॉल पुट्टी मिक्स कर दें। घोल तैयार करने के बाद हम इसमें सेसा ऑयल का ढक्कन डिप करेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसमें टूथ पिक स्टिक और खाली धागे का रील डिप करेंगे। पेन का टिप लेंगे और इसे डिप करके सूखने के लिए रख देंगे। हमने जो प्लास्टिक के बॉटल पे पुट्टी लगाई थी वो अच्छी तरह से सूख गई है, तो इसमें हम ये घोल डालेंगे और अच्छे तरह से कोट करेंगे। हम लेंगे एक मिठाई के डब्बे का ढक्कन और उसमें नारियल तेल लगा देंगे। तेल लगाने के बाद हमारा जो घोल बच गया था उसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम कुछ कलर। आपको जो कलर पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सारे कलर डालने के बाद हम एक तिनका लेंगे और इसे गोल गोल घुमाएंगे। उसके बाद इसे हम ओवरनाइट सूखने के लिए रख देंगे। हमारा सारा सामान सूख गया है तो सबसे पहले बनाएंगे पिचकारी। पिचकारी बनाने के लिए धागे के रील पे थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और उस पर पेन का टिप चिपका देंगे। उसके बाद टूथ पिक स्टिक के आगे थोड़ी सी बॉल पुट्टी लगाएंगे और धागे के रील के अंदर रख लेंगे। इसके बाद इसके पीछे भी थोड़ी सी बॉल पुट्टी लगाएंगे और उसे पिचकारी का शेप देंगे। अब हमने जो लड्डू गोपाल के लिए मटकी बनाई है उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच बॉल पुट्टी, 1 चम्मच पानी और 1 चम्मच फेविकॉल को अच्छे से मिक्स करके गाढ़ा घोल तैयार कर लिया और उसे कोन में भर दिया। फ्रेंड्स, अगर ये घोल आपसे नहीं बनती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने मटकी पे डिज़ाइन बना ली है। अब इसके कटोरी, पिचकारी और बाल्टी पे 1x1 करके डिज़ाइन बना लूँगी। डिज़ाइन बनाने के बाद इसे कुछ देर के लिए सूखने के लिए रख दें और ये जब सूख जाएगी तब हम इस पर करेंगे कलर। हमारा सारा सामान सूख गया है तो अब हम इसमें कलर करेंगे। कलर करने के लिए मैंने बाल्टी पर यहाँ पे रेड कलर किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। मैं मटकी को येलो कलर से कलर कर रही हूँ। इसके बाद हम पिचकारी और कटोरी को भी कलर करेंगे। हमने सारे सामान पे कलर कर लिया है और ये सूख भी गया है। इसके बाद हम इस पे अब कोई दूसरा कलर डाल सकते हैं। मैं पिचकारी को रेड मेटैलिक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। इसे मैं अपने फिंगर की सहायता से ही हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ब्रश की हेल्प ले सकते हैं। मैं मटके को ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जो कलर पसंद है आप वो कलर ले सकते हैं। मैंने जो कलर यूज किया है वो सारे के सारे एक्रेलिक कलर हैं। कान्हा जी की बाल्टी को मैं व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो कटोरी में पिंक कलर डाला था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसे मैं चेंज कर देती हूँ। मैंने इसे चेंज करके ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया।
मटकी का कलर सूख गया है तो मैं इस पे अब कुछ स्टोन चिपकाऊंगी। स्टोन चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप सिंपली फेविकॉल भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जिसे इतनी देर से बाल्टी बाल्टी किए जा रही थी उसे बाल्टी का प्रॉपर शेप देने के लिए मैं इस पे एक डोरी चिपकाऊंगी। डोरी चिपकाने के लिए मैंने इसके दोनों साइड फैब्रिक ग्लू लगाया है और मैं इस पे डोरी चिपकाऊंगी। चिपकाने के बाद मैं इस पे कुछ स्टोन की डिटेलिंग करूंगी। स्टोन चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू ही लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फेविकॉल भी ले सकते हैं। हमने जो डेकोरेशन के लिए पत्तियाँ और फ्लावर बनाई थी उसे भी कलर कर लेंगे। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग कलर करें। कलर करने के बाद मैं इसे चिपका लूँगी। चिपकाने के लिए मैं एक फ्लावर पे थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और इसके प्लेट पे चिपका लूँगी। वन बाय वन करके मैं सारे फ्लावर्स और लिप्स चिपका लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल के लिए होली प्लेटर बनके तैयार हो गई है। आप भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।